हेलो फ्रेंड्स, मैं यश मैम वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो आज बनाएंगे हम लोग टमाटर भरवा। तो यहाँ चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे है टमाटर लिए मैंने, 1 किलो टमाटर है। और इसमें इसको सारा इसको बिल्कुल पहले धो के रख लिया है अच्छी तरीके से। उसके बाद में इसको क्या करूँगी, यहाँ जो जहाँ से डंठल है वहाँ से इसको काट लेना है। काटने के बाद इसका सारा रस निकालना है। यहाँ पे जो ये टमाटर प्याज लहसुन और मिर्ची और प्याज काट के रख लिया है। तो 2 प्याज है इसमें और 3-4 कलियाँ हैं लहसुन की, 3-4 पोट है। और यहाँ पे टमाटर पूरा निकाल के रख लिया है। उसके बाद ये आलू उबाला हुआ है, आलू उबाला हुआ है। यहाँ टमाटर का जो है मैंने सब कुछ सारा जो रस है वो सारा निकाल के रख लिया है। प्यूरी इसका यहाँ पे खाली कर दिया बिल्कुल टमाटर। और यहाँ पे लहसुन प्याज जो भी है तड़का सबको भून लेना है। तो ये सब कुछ भून लिया है मम्मी बना रही है आज। मम्मी के हाथ का सब्जी है ये टमाटर भरवा। तो यहाँ पे है कि इसको हल्दी, नमक, मिर्ची और गरम मसाला, ये सारा कुछ मसाला इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। तो मैं जूम करके दिखा रही हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे। और ये इसमें टमाटर है, टमाटर का जो प्यूरी था वो भी डाल दिया है। तो इसको अच्छे से पहले भूनना है। और भूनने के बाद तो ये देखिए मसाला भून चुका है। अब इसका जो मसाला है आधा इसमें से निकाल लेंगे और आधा ग्रेवी के लिए रख लेंगे और आधा ऐसे आलू आलू में मिलाने के लिए रख लेंगे इसको। तो आलू को भी भूनना है अच्छी तरीके से। तो अब इसको आलू में बिल्कुल अच्छे से भून लिया है मसाला, देखिए बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो इसमें आलू ऐड करेंगे। तो आलू को अच्छे से मैश किया हुआ आलू है। अब आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं, अगर ना आपके पास ना हो तो नहीं डालना, लेकिन डाल देना धनिया पत्ता। तो ये मम्मी के हाथ का रेसिपी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर आलू को ऐड कर दीजिए और बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनना है। तो यहाँ पे जो आलू है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मसाले में और बिल्कुल अच्छे से भूनना। तो ये बिल्कुल जो आलू है बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, अब बिल्कुल टेस्टी बन के रेडी हुआ था। तो ये टमाटर भरवा ऐसे ही बनता है, आलू को मिक्स करके आलू की स्टफिंग बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सबको मिक्स कर लिया है। जब ये ठंडा हो जाए तब इसको जो टमाटर है उसमें भरना है। तो बिल्कुल इसको पहले ठंडा कर ले मिक्स करके। तो यहाँ पे है कि मम्मी एक एक टमाटर में पहले भर के इसको कढ़ाई में तलेंगे, तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो पहले 4-5 इसको तलेंगे अभी ट्राई करने के लिए, उसके बाद फिर जितना आपके पास टमाटर है उसके अकॉर्डिंग आप डाल के इसको तलना है। तो ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को फुल वॉच करना। और अगर फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको ये रेसिपी समझ नहीं आएगा कि कैसे बनता है। और ये टेस्टी, ये बिल्कुल बिहार का फेमस सब्जी है जो बिहारी लोग बनाते हैं, सब लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको एक जो स्टफिंग है बिल्कुल भर लेना है टमाटर में अच्छे से। और ये पका हुआ टमाटर ही अब लेना, ज़्यादा पका हुआ भी नहीं चाहिए, नॉर्मल। तो उसके बाद तो यहाँ पे 4-5 मम्मी ने भर लिया है। अब मैं दिखाती हूँ कि कढ़ाई में डाला हुआ है। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है और तेल आप डाल देना, सरसों तेल आपको जितना चाहिए उसको तलने के लिए। तो मैं ग्रेवी भी बनेगा इस सब्जी में, लेकिन ग्रेवी वाला आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं सूखा भरवा वाला दिखाऊंगी रेसिपी। तो यहाँ पे 4-5 है, तो 4-5 पहले इसको तल लेंगे, उसके बाद और टमाटर जो ज़्यादा है उसको डालेंगे। तो यहाँ पे और टमाटर था तो और इसमें ऐड कर दिया है। और 2-3 मिनट के बाद इसको देखेंगे कि इसका कलर कैसा आया हुआ है, कैसा पक के रेडी हुआ है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो देखिए यहाँ पे दो बार पलट दिया है तो बिल्कुल पक के रेडी हो गया है। अब मैं इसका एक लुक दिखाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कि सब्जी बनके मेरा रेडी हो चुका है। यहाँ सब्जी भरवा मतलब टमाटर भरवा रेडी हो चुका है और टेस्टी अभी बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को फुल वॉच करें।